विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं एनाटॉमी। यह विज्ञान की वह शाखा है जो शरीर के आंतरिक संरचना से संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी। यह विज्ञान मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों के प्रभाव का अध्ययन करता है। इसे ज्योतिष शास्त्र भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमी सेरेमिक्स और एस्ट्रोनॉमिक्स यह खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सेरेमिक्स यह टेक्नोलॉजी की वह शाखा है जो चीनी मिट्टी से बर्तन तैयार करने से संबंधित है। ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन करने वाली शाखा है। यूजेनिक्स अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन का अध्ययन करने की शाखा। एपिडेमोलॉजी महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित होती है। एरिनियोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन। कीमोथेरेपी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिकों द्वारा उपचार किया जाता है। फिर कॉस्मोलॉजी इस शाखा में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। फिर क्रायोजेनिक्स यह निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इकोलॉजी यह विज्ञान वनस्पतियों तथा प्राणियों या प्रकृति से संबंधित का अध्ययन करता है। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की यह शाखा कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करती है। एपिडेमियोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा महामारी और उसके उपचार से संबंधित है। एक्स बायोलॉजी इसमें पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों व उपग्रहों के जीवन की संभावना का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी भूगर्भ संबंधी अध्ययन, उसकी बनावट, संरचना आदि का अध्ययन इसी विज्ञान द्वारा किया जाता है। जेरोंटोलॉजी वृद्धावस्था से संबंधित तथ्यों का अध्ययन इसी विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हॉर्टिकल्चर फल फूल साग सब्जी उगाने, बाग लगाने, फूल उत्पादन का अध्ययन इसी विज्ञान के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोपैथी इस विज्ञान के द्वारा पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला यह स्वास्थ्य का विज्ञान है। होलोग्राफी यह लेजर पुंज की सहायता से त्रिमितीय आकृति बनाने की एक विधि है। होरोलॉजी यह समय मापने वाला विज्ञान है। मैमोग्राफी यह स्त्रियों में पाए जाने वाले ब्रेस्ट कैंसर की जांच करने वाले चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। मेट्रियोलॉजी मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं व परिवर्तनों का अध्ययन इसी विज्ञान के द्वारा किया जाता है। मॉर्फोलॉजी पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन इसी विज्ञान के द्वारा किया जाता है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की नाड़ियों तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन। ओरंटोलॉजी दांतों का अध्ययन करने वाली चिकित्सा विज्ञान की यह शाखा है। ऑप्टिक्स प्रकाश के प्रकार और गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र को ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी इस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्ट्रियोलॉजी प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी यह विज्ञान फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी इस शाखा में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। एरोनॉटिक्स इस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत वायुयान संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। एथेटिक्स इस शाखा के अंतर्गत रोज सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन होता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी यह घास से संबंधित विज्ञान की शाखा है। अर्बोरिकल्चर यह वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा है। एस्ट्रोफिजिक्स यह नक्षत्रों के भौतिक रूप से संबंधित खगोली अर्थात खगोल भौतिक विज्ञान की शाखा है। कैलिस्थोनिक्स इस शाखा के अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धक
व्यायामों की विधियों संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। कॉन्कोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत शंख यानी मोलस्क विज्ञान का अध्ययन होता है। कॉस्मोगोनी, इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत का अध्ययन होता है। कॉस्मोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत विश्व रचना संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। क्रिप्टोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत बीज लेखन और गुण लेखन संबंधी ज्ञान का अध्ययन होता है। एपिग्राफी, इस शाखा का अंतर्गत शिलालेख संबंधित ज्ञान का अध्ययन होता है। एथनोग्राफी, इस शाखा के अंतर्गत मानव जाति का अध्ययन होता है। जीनोकोलॉजी, इस शाखा के अंतर्गत जीवों की जातियों के विभेदों का अध्ययन होता है। जियोडेसी, इस शाखा के अंतर्गत भूगणित ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जियोमेडिसिन, यह औषधि शास्त्र की शाखा है जो जलवायु और वातावरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन करती है। हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत जल संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्टैटिक, इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थैतिक का अध्ययन होता है। लेक्सिकोग्राफी, यह शब्दों को संकलन तथा लिखने की कला है। न्यूमरोलॉजी, यह वह शाखा जिसमें अंकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूमिस्टेटिक्स, विज्ञान की वह शाखा जो पुराने सिक्के यानी कॉइन का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी, इस शाखा के अंदर शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सेलिनोलॉजी, इस शाखा के अंदर चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर, इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन और उससे रेशम प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है।